क्या होता है डिजिटल मीडिया सचिन भाई? सुनो डिजिटल मीडिया नहीं और प्रोफेशनलिज्म नहीं, एकदम नॉर्मल नहीं नहीं बनने तो बनने बाद में काट देंगे बाद में डिजिटल मीडिया पूछ रहा है क्या? हाँ, डिजिटल मीडिया कुछ नहीं होता अच्छा। कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेके पकड़, ये माउस ले ले ठीक है, इस माउस को तेरे को ऑनलाइन सेल करना है ठीक है, तो तेरे को कोई मीडियम चाहिए ओ। और मीडियम चाहिए, मीडियम कैसे हो सकता है? मीडियम चाहे तेरी मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है, चाहे तेरी वेबसाइट हो सकती है। अब मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट को तू ओपन कहाँ कर सकता है? लैपटॉप पे, मोबाइल फोन पे और टैबलेट पे। तो इन्हीं सब मीडियम के थ्रू इंटरनेट की हेल्प से तो प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर सकता है, उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। मैंने अनुराग तुझे एक सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। और तो फिर इतना सब कुछ क्यों पढूं मैं, मतलब 10 भाग बोथरा इतना सब पढ़ने से अच्छा है मैं कुछ छोटा कर सकता हूं क्या, क्योंकि मेरे को बिजनेस पे भी ध्यान देना है, मुझे और भी चीजें करनी है, तो ऐसा कुछ छोटा शॉर्टकट तरीका है क्या इसका? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। देखो अगर तुझे डिजिटल मार्केटिंग इन शॉर्ट सीखनी है, तेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो तू कुछ नहीं कर सकता। तू सिंपली अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव रह, 2 पोस्ट इन ए वीक, अच्छा सोशल मीडिया पे एक्टिव रह, 3 पोस्ट इन ए डे, 5 से मल्टीप्लाई कर, 5 × 3 15 पोस्ट इन ए वीक, 16 पोस्ट 60 पोस्ट इन ए मंथ ठीक है, 60 पोस्ट तेरी एक मंथ में चली जाएगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे तू फेसबुक यूज कर रहा है, इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहा है। अब 60 पोस्ट तो एक मंथ में डाल रहा है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर ले राइट, तो तेरी अप्रोक्स 720 पोस्ट इन ए ईयर, जो कि सफिशियंट है किसी भी सोशल मीडिया इंजन को बूस्ट करने के लिए, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेटवर्क को बूस्ट करने के लिए। 3 पोस्ट इन ए डे मेरा फॉर्मूला है, 3 पोस्ट इन ए डे का 60 पोस्ट इन ए मंथ, और एक साल के बाद तो हीरो सही में। तो कैसे लड़कियां भी पटती है? देख डिजिटल मार्केटिंग से लड़कियां तो पटती नहीं है, कैसा क्वेश्चन तो पूछ रहा है। बस ये है कि अगर तेरी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस ज्यादा है, तू इंस्टाग्राम पे अपने आप को फोन स्विच ऑफ करना, तो इंस्टाग्राम पे अपने आप को ज्यादा इन्फ्लुएंस करके दिखा रहा है, तू वहां पे कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन बना रहा है अपनी ऑडियंस के साथ। अब जो ऑडियंस के साथ तो कनेक्शन बना रहा है, ऑडियंस तेरी वुमेन मैन लड़कियां सब कुछ हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, जो तू चाहे तो किसी के साथ कनेक्शन बना सकता है, वो तेरा लक है। अगर किसी लड़की के साथ कनेक्शन बना लिया तो वो तेरी। वाह मैं कल ही शुरू कर रहा हूँ। तो ये सारी बातें इसमें रहती है। अब मेरी वीडियो भी एडिट चल रही है, मैंने एक वीडियो यूट्यूब के लिए बनाई है जो कि अभी 7% हो चुकी है, और ये फिल्मोरा में वीडियो मैंने एडिट कर रहा हूँ। वीडियो तो अच्छी आई, और पूछ क्या पूछना था, तो कह रहा था ना कि जितना देसियों की बात करेगा ना उतना ज्यादा कनेक्शन बिल्डअप करेगा, एकदम देसी। तो देखिए मैंने चेयर पूरी अपनी हिला लिया और पूरी मैंने अपनी बॉडी को मूवमेंट किया, फुल देसी तरह से बात कर रहा हूँ मैं। अब बताओ कि ये जो माइक लेना चाहते हैं? नहीं 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 माइक लेना तो माइक भी ले ले, मेरे पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है तेरे लिए। गुड गुड, तेरी आवाज नहीं आएगी वैसे अगर माइक बिना माइक। तो ये बताओ कि हमें क्या क्या चाहिए होता है अच्छी वीडियो बनाने के लिए? जैसे मैंने सुना है बहुत खर्चा करना पड़ता है। खर्चा कुछ नहीं बढ़ना पड़ता, मेरी तरह 400 रुपए वाला लैपल माइक ले, अमेज़न से मंगा ले, एक ये फ्लैश लाइट है, सेल्फी लाइट है, रिंग लाइट है, अच्छा 1000 रुपए की आ जाती है ट्राइपॉड के साथ, तो 1400 रुपए स्मार्टफोन तेरे पास है ही। हाँ। और फिर किसी भी ऐप के अंदर डाल के एडिट कर ले वीडियो को। अगर कोई इंसान थोड़ा 1500 से 1500 रुपए में तू वीडियो बना सकता है। बताओ तो अगर कोई लड़का स्मार्ट ना फील करता हो मेरी तरह, थोड़ा सा शाई, तो क्या कह रहे हो उसके? अगर तेरी तरह लड़का शाई हो और स्मार्ट ना दिखता हो, उसको कॉन्फिडेंस चाहिए, तो क्या कर सकता है? उसके लिए सबसे बेस्ट है कि वो अपना पॉडकास्ट से स्टार्ट करे। पॉडकास्ट में क्या होगा, तेरा फेस नहीं दिखेगा, तेरी ऑडियो ऑडियो जाएगी, तो अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करता है, जब तू ऑडियो को रिकॉर्ड करने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो धीरे धीरे फिर फेसबुक इंस्टाग्राम पे आ जा। जब फेसबुक इंस्टाग्राम पे आएगा, धीरे धीरे वहां पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा। स्टार्टिंग में जैसी वीडियो आनी है आने दे, कट लग रहे लगने दे ठीक है, बट जैसे जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे क्वालिटी इंक्रीज होती चली जाएगी,
5 वीडियो 10 वीडियो 50 वीडियो के बाद उसके बाद फिर तो यूट्यूब पे जंप कर दे। और कैमरा फेसिंग ऐसा नहीं है, पहले अगर कोई भी वीडियो बनाता है तो 20 कट यूज करता है, वो 30 कट लगाता है वीडियो में, पर आजकल मैं एक ही शूट में सारी वीडियो प्लान कर लेता हूँ विदाउट एडिटिंग। बहुत बड़ी बात। लेकिन इस वाली वीडियो को मैं ऐसे ही डालने वाला हूँ। ये तो ज्यादा ही बोल्ड स्टेप हो गया, बोल्डनेस। ओह नाइस नाइस। क्योंकि इसमें मैं ज्यादा एक्टिंग कर रहा हूँ, मतलब दिखाने की कि मैं इसको बिना एडिटिंग कैसे डालने वाला हूँ जानबूझ के। सच में? वाह वाह क्या बात है। ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ऐसा कॉन्फिडेंस ऐसे आएगा, तुमने वीडियो बनाओ, डालता जा, देख मत। एक मेरा क्या है, मैं क्या करता हूँ, मैं 3 वीडियो इन ए वीक डालता हूँ, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। 6:45 पे मेरी वीडियो यूट्यूब पे लाइव हो जाती है, और जो सेम वीडियो में जो सेम कंटेंट यूट्यूब के लिए प्रोड्यूस करता हूँ, उसी सेम कंटेंट को मैं अपने इंस्टा और फेसबुक पे डाल देता हूँ। कंटेंट मुझे सेम प्रोड्यूस करना है, जो कंटेंट मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो मुझे कंटेंट क्वालिटी कंटेंट मुझे बनाना है। क्वालिटी कंटेंट मेरे पास बन गया वीडियो की फॉर्म में, अब मेरा काम उस कंटेंट को स्प्रेड करना। अब स्प्रेड करने में अगर कोई इनिशियल फेज में करता है तो उसको टाइम लगता है, वो इनिशियल फेज में वो यूट्यूब पे फेसबुक इंस्टाग्राम वो पिनिंटरेस्ट वो मल्टीपल चैनल्स ट्विटर लिंक्डइन मल्टीपल चैनल्स यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको टाइम लगेगा। ये सारी चीज आती है एक्सपीरियंस के पास। सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म पकड़ो, एक प्लेटफॉर्म पे एटलीस्ट 6 मंथ्स काम करो, 6 मंथ के बाद फिर आप बाकी प्लेटफॉर्म को पकड़ो, फिर आपकी स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप एक वीडियो कंटेंट प्रिपेयर करते हो उसको सभी प्लेटफॉर्म पे मैनेज करने की कोशिश करते हो तो आपके लिए टफ हो जाएगा। आप एक वीक करोगे, दो वीक करोगे, तीसरे वीक आप छोड़ दोगे। हमेशा एक प्लेटफॉर्म को कम से कम 6 मंथ्स आप लेके चलो, उसके बाद फिर फेसबुक इंस्टाग्राम बाकी प्लेटफॉर्म पे जाओ। सही। एक प्लेटफॉर्म पे मास्टर होना, क्योंकि जितना टाइम वीडियो बनाने में लगता है उतना टाइम इस वीडियो कंटेंट को बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूट करने में लगता है। तो अपने डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम वेस्ट मत करो, अपना कंटेंट प्रोड्यूस करने में टाइम इन्वेस्ट करो क्वालिटी कंटेंट से। क्वालिटी कंटेंट अगर एक बार आपने बना लिया तो लाइफ टाइम तक ये यूट्यूब पे या फेसबुक इंस्टाग्राम पे ये वीडियो की फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। आपकी जनरेशन, आपके चिल्ड्रन की जनरेशन, मतलब सबको इसी से सीख सकता है और ये हमेशा अवेलेबल रहेगा। और ये ऐसी प्रॉपर्टी है इंटरनेट पे वीडियो की फॉर्म में कि आपको जो लाइफ टाइम तक रिटर्न देगी। आप सो रहे हो फिर भी आपकी वीडियो को कोई ना कोई देख के इंस्पायर हो रहा है, कोई ना कोई देख के उसको सीख रहा है। क्या बात, राइट? तो भाई तो वीडियो की ये पावर है। वेल नाइस। आप सो रहे हो फिर भी कोई साइंस सीख रहा है, आप सो रहे हो फिर भी कोई सीख रहा है कि क्या लेके क्या बोलते हैं उसको, टेलीस्कोप लेके जुपिटर को या मार्स को कैसे देखते हैं। मैं जा रहा हूँ, वीडियो बनाऊंगा, पैसे कमाऊंगा। तो तेरे पास डे नाइट इंक्वायरी आती रहेगी, तेरी इंक्वायरी नहीं रुकेगी कभी भी। और क्या चाहिए तुझे, काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे बीकानेर वाले एग्जांपल बता रहा था ना कि सेटअप कर लिया फिर भी खुद ही बिलिंग काट रहा है, तो काम करना पड़ रहा है ना उसको। तो ऐसे ही मैं कह रहा था कि भाई अपना ऐसा सेटअप करो वीडियो की फॉर्म में ताकि तेरे पास डे नाइट इंक्वायरीज आए, कॉल्स आए, और तेरे वीडियो को देख के किसी न किसी को लर्निंग इंस्पिरेशन मिलती है। टाइम लगेगा 6 महीने 1 साल 1.5 साल, बट एक दिन 100% रिजल्ट आएगा यार। बात बोलते दिल छू गई है। अब करना पड़ेगा काम, मेरे लिए तो हो गया मोटिवेशन। अब और क्या सोच सकता है भाई, अब तो क्या पूछे भाई। अपना फेस तो दिखा दे, सबको पता तो लगना चाहिए ना कि पूछ कौन रहा था। मैं खुद बनाने जा रहा हूँ, इसलिए मैं फेस तब दिखाऊंगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। कैमरे को घुमाऊं, ठीक है? दैट्स अ गुड आइडिया बाय द वे। थैंक यू सो मच सचिन, आपने मेरी आंखें खोल दी, और अब मैं जाके अपना एक खुद का चैनल बनाऊंगा, दुनिया पे राज करूंगा मैं। ऐसा होगा? नहीं, राज तो नहीं कह सकता, लेकिन क्या है कि अपना एक इंडिविजुअल ब्रांड बना पाएगा और अपनी एक सेल्फ प्रमोशन अपना कर पाएगा, और जितनी जो तेरी ब्रांड्स रन कर रहे हैं उन ब्रांड्स के लिए सक्सेसफुली बिजनेस लेके आ पाएगा। वाओ,
यही बात, क्योंकि कोई तेरे को ट्रस्ट क्यों करे, किसी से तू एक बार मीटिंग ले लेता है, किसी से तू 10 बार मीटिंग कर ली, 15 मिनट मीटिंग कर ली, अब तू उसको बोल रहा है कि मैं बहुत बड़ी ब्रांड हूँ, तो बहुत बड़ी ब्रांड तेरी बात पे ट्रस्ट कैसे करेगा जब तक तू उसको अपनी पावर नहीं दिखा रहा। लेकिन एक बात, और एक चीज हो रहा है देखो, मार्केटिंग सेल्स के इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, इस वीडियो में ही मैं वो यूज करने वाला हूँ। अगर तूने किसी से मीटिंग की किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो तू उसको प्रोजेक्ट पिच किया, ठीक है, वो टाइम लेता है सोचने के लिए कि आई विल गेट बैक टू यू, राइट। देखो हफ्ते में बताएगा, 10 दिन में बताएगा। अब वो जो टाइम ले रहा है, वो टाइम क्यों लेता है? वो टाइम लेता है उसको तेरे पे अभी इतना ट्रस्ट नहीं है कि इंस्टेंट हाँ कर दे, इंस्टेंट अपना डिसीजन यस नो में ले ले। अब तेरे को क्या करना है, अब जो तेरी यूएसपीज है, जो तेरी ब्रांड की यूएसपीज है, तेरी जो यूएसपीज है, अब तूने उनकी माइक्रो वीडियोस बनानी है, मतलब 2-3 मिनट की वीडियोस उनके बारे में, अपना कैमरा ऑन किया, फ्रंट कैमरा ऑन किया, सेल्फी टाइप तूने वीडियोस बना ली फ्रंट कैमरे से, उसमें क्या करना, अपने बारे में बता दिया, अपने जो प्रोडक्ट सर्विस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, और 2-4 उनको लास्ट में टेस्टिमनी दिखा दी। तो तेरे पास 8-10 वीडियोस होनी चाहिए सेल्स की, उन सेल्स की वीडियोस को तू यूज करेगा उनके पास सेंड करने के लिए, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दे, चाहे ईमेल के थ्रू सेंड कर दे। उससे क्या होगा, जो जिस क्लाइंट से तू मीटिंग लेके आया है, वो क्लाइंट तेरा नर्चर हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर, क्योंकि तू उसको 2-3 मिनट की वीडियो भेज रहा है, ज्यादा लंबी नहीं है, तो एक बार नर्चर करने के लिए सेल्स की वीडियो भी काम आएगी। तो एक बात बताइए सचिन, जैसे सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कभी कभार हम सोशल मीडिया पे वी पुट सच कंटेंट जो कि थोड़ा सा वल्गर हो जाता है या थोड़ा अजीब सा हो जाता है, जैसे लेट सपोज मैं किसी इशू के बारे में बात करने लग जाऊं तो वो मेरे ब्रांड से रिलेटेड ही नहीं है, तो क्या वो जरूर, क्या वो सब भी डालना चाहिए? देख, अगर जो तेजी तेरे ब्रांड से रिलेटेड नहीं है तो डाल सकता है, बट वो तेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये नहीं तो किसी और प्रोडक्ट के और किसी ब्रांड के बारे में डाल रहा, वो चीज गलत है। या तो अपने प्रोडक्ट के बारे में डाल, अपने ब्रांड के बारे में डाल, या अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर किसी भी प्रोडक्ट किसी भी सर्विस को लेके जो तूने फील किया है। अच्छा, हाँ, या अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डाल, ठीक है, तो वहां तक तो सफिशिएंट है। ओके, मतलब आई शुड शो व्हाट आई एम फीलिंग बट विद रिस्पेक्ट टू माय ब्रांड्स एंड माय पब्लिक इमेज, बिकॉज़ शाहरुख खान कैन नॉट पुट द फोटो ऑफ हिम सिंगिंग बैडली, राइट, है ना, राइट, उसको वही डालनी है कि जिसमें वो अच्छा हो, मतलब अपनी स्ट्रेंथ डालो, वीकनेस मत डालो, है ना, और जैसे हो ना आप वैसे रहो, अपने आप को ज्यादा मतलब बनाने की कोशिश मत करो कि भाई मैं, अगर वीडियो में आप सोचते हो कि मैं अच्छे कपड़े पहन के वीडियो बनाऊंगा, मेरे पास अच्छा सूट अच्छा ब्लेजर होना चाहिए तभी वीडियो बनाऊंगा, मेरे पास अच्छा कैमरा होना चाहिए तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरे पास अच्छा माइक होना चाहिए तभी वीडियो बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने मिनिमम इन्वेस्टमेंट से, मिनिमम एक सेटअप से आप वीडियो बना सकते हो। अच्छा, वाओ, और कुछ? हाँ, एक क्वेश्चन और है, जैसे कि मान के चलिए हमने कोई वीडियो बनाई, उस वीडियो पे बहुत नेगेटिव कमेंट्स आ गए, लोगों ने ट्रॉल कर दिया एकदम, तो क्या करें उसके इसमें? अरे, घर तू फेमस हो गया, नेगेटिव में भी तू फेमस, पॉजिटिव में भी तू फेमस होगा, नेगेटिव में भी तू फेमस होगा, तेरा ब्रांड नेम तो, तेरा नाम तो पता लग गया ना सबको, लेकिन धमकी वमकी दे दी घर पे, धमकी देनी गलत आ गई, तो उसके लिए साइबर लॉ है, साइबर लॉ की हेल्प ले सकता है, साइबर कंप्लेंट्स कर सकते हैं उनके अगेंस्ट, और जो भी साइबर सेल उनके अगेंस्ट एक्शन लेगी, बनता होगा वो एक्शन लेगी जरूर। ओके, अच्छा, ओके, मैटर्स। और बता इसके अलावा, तो बेसिकली कॉमेडियन, आप ये कहना चाह रहे हो कि कॉमेडियन अपनी थॉटफुल वीडियो नहीं डाल सकता? डाल सकता है, जिसमें कॉमेडी ना हो, डाल सकता है, नहीं डाल सकता, डालते हैं काफी कॉमेडियन थॉटफुल वीडियो, फिर वो चलते नहीं होंगे, उसमें भी कॉमेडी घुसा देते हैं, घुसा ना कॉमेडी, वो थॉटफुल में भी कॉमेडी घुसा देते हैं, हाँ, तो उनको सालों को कॉमेडी कहीं ना कहीं तो घुसानी है, वो अपनी कॉमेडी घुसाते हैं, जैसे कि रॉबिन शर्मा या गैरी विंगर चिक, ये गैरी भी, हाँ, ये भी घुसाता है ना, घुसाता है, मोटिवेशन घुसाता है, हाँ, लोगों को हंसाने के लिए, लेकिन मोटिवेशन घुसाता है, मोटिवेशन घुसाता है, चाहे कोई भी एडवाइस हो, फालतू का एडवाइस दे रहा हूँ, हाँ, ये तो कंफर्म है, हाँ, वही तो इसलिए हम अगर एडवाइस देने वाला चैनल है तो हमें एडवाइस देना है, हाँ, हम अगर किसी चीज के बारे में हम
एक थॉटफुल इंसान है, तो हमें थॉटफुल बनना है अपने हर एक काम में, ऐसा ही ना? Sure, ऐसे ही बोलना चाहिए. तो आपका चैनल कैसा है? मेरा चैनल इस पे मैं 60-70% डिजिटल मार्केटिंग स्टफ को डालता हूँ. अच्छा. रेस्ट 30% अपना पर्सनल स्टफ डालता हूँ, पर्सनल फोटोज, घूमने फिरने का वो फोटो डाल दिए, मैरिज के फोटो डाल दिए, अपना पर्सनल स्टफ डाल दिया, अपना किसी को सजेशन दे रहा हूँ, किसी से किसी को मोटिवेट कर रहा हूँ, किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो वो स्टफ डाल दिया. Nice. पूरा रहता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे. क्या ही फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है. Cool. तो इसको यही हम खत्म करते हैं. अपना फेस नहीं दिखाएगा लेकिन तू हम दिखाएंगे बहुत जल्दी. एक महीने के अंदर हम आ रहे हैं.